भरतपुर पुलिस की सफाई, FIR में मोनू मानेसर नामजद, 8 लोगों की फोटो में शामिल नहीं। राजस्थान के दो मुस्लिम युवकों जुनैद और नासिर हत्याकांड में भरतपुर पुलिस की तरफ से एक दिन पहले जारी की गई 8 आरोपियों की फोटो में भले ही गौरक्षक मोनू मानेसर का नाम नहीं है, लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने सफाई दी कि FIR में मोनू नामजद है, जिसकी जांच लगातार जारी है। बता दें कि डबल मर्डर केस में अभी तक पकड़े गए इकलौते आरोपी रिंकू सैनी से हुई पूछताछ के बाद भरतपुर पुलिस ने एक दिन पहले जानकारी दी थी कि रिंकू से पूछताछ में 8 आरोपियों के नाम वारदात में शामिल पाए गए हैं। इनमें अनिल व श्रीकांत नू, मोनू भिवानी, विकास जिन, कालू कैथल, शशिकांत करनाल, किशोर करनाल, गोगी भिवानी का नाम सामने आया था। राजस्थान पुलिस के ADG क्राइम दिनेश MN ने बताया कि 15 फरवरी को भरतपुर के जुनैद और नासिर के अपहरण की शिकायत गोपालगढ़ थाने में दर्ज हुई थी। 16 फरवरी को सूचना मिली कि दोनों लोगों की गाड़ी हरियाणा के भिवानी स्थित लोहारू में जली हुई मिली है। कार की तलाशी पर दो नर कंकाल भी मिले थे। जांच में सामने आया कि हरियाणा से दो लोगों की टीम भरतपुर आई थी और यहां से नासिर और जुनैद को उठाकर ले गए थे। इन दोनों के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में रिंकू सैनी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ में बताया कि उसके अलावा इसमें 8 लोग और शामिल थे। ADG MN ने बताया कि सभी की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाशी शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने हरियाणा के जिंद से वारदात में प्रयोग की गई स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद कर ली है, जिसमें सीट पर खून के धब्बे मिले हैं। राजस्थान पुलिस की वांटेड लिस्ट से मोनू मानेसर और लोकेश सिंगला का नाम हटने की खबर पर जनता ने सोशल मीडिया पर क्या कहा, आइए बताते हैं। सद्दाम हुसैन नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, आखिरकार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में भाजपा के मोस्ट वांटेड बच गए, मतलब साफ है भाजपा कांग्रेस एक है। भरतपुर पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी साझा करते हुए कहा गया, गोपालगढ़ अपहरण व हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार रिंकू सैनी की पूछताछ एवं अब तक के अनुसंधान से प्रमाणित पाए गए 8 आरोपी, हरियाणा पुलिस के साथ तलाश अभियान जारी, FIR में नामजद मोनू मानेसर व लोकेश सिंगला एवं अनुसंधान से सामने आई कुछ अन्य के संबंध में गहनता से अनुसंधान जारी। अली हुसैन नाम के एक यूजर ने पूछा, मोनू मानेसर जो मुख्य आरोपी है उसका फोटो क्यों गायब है, क्या उसे बचाने के लिए? मेहरुद्दीन रंगरेज नाम के एक यूजर ने इस मामले में ट्वीट करके लिखा, गोपालगढ़ थाने के SHO राम नरेश का एक वीडियो सामने आया है जिन्होंने जुनैद और नासिर की हत्या के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी। वे बता रहे हैं कि इस हत्या में मोनू मानेसर की मुख्य भूमिका है और सबूतों को नष्ट करने के लिए किस तरह कार में आग लगाई गई थी। नासिर जुनैद केस में भरतपुर पुलिस के इस खुलासे को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल खबर हम आप तक पहुंचाते रहें।